नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। बिहार सरकार में जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से सबकी निगाहें रोजगार पर टिकी हुई हैं और सरकार भी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि अपने वादे पर कायम रहना ही होगा। इसी क्रम में कल नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक थी जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए और रोजगार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों में 1176 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल काउंसिल के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक समेत कुल 423 पद, दुष्कर्म और पॉक्सो की विशेष अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 और अग्निशमन सेवा में विभिन्न कोटि के 155 पद शामिल हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में संशोधन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों समेत अलग अलग विभागों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पदों पर बहाली होगी। 4 विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय पूर्णिया तथा पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 तथा शिक्षकेतर कर्मचारी के 89 यानी कुल 459 पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार मेडिकल कॉलेज, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक में इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों को अब तक 15,000 की छात्रवृत्ति मिलती थी, इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी तरह फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनली फिजियोथेरेपी के विद्यार्थियों को अब 11,000 रुपये प्रति महीने की जगह 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सरकार के इस फैसले से बेरोजगारी के एक अरसे पर पड़ा सूखा खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को जल्दी भरने व नए पद सृजित करने का आदेश पहले ही दे दिया है। वहीं कल कैबिनेट में पीएमसीएच में तेजस्वी यादव के दौरे के बाद जो डॉक्टर नहीं आए थे या जिनके न होने की शिकायत मिली थी उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। धन्यवाद। आप बने रहें महाखबर के साथ।